अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो काइंडली आप लोगों ने ध्यान से इसको समझना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पे आते हैं। ब्लड ग्रुप आर इनहेरिटेड करेक्टर्स, यानी इनहेरिट करेक्टर्स जो दे आर ट्रांसमिटेड फ्राम पेरेंट्स टू देयर ऑफ स्प्रिंग, यानी कि ऑफ स्प्रिंग मीन बच्चे, यानी कि पेरेंट्स से बच्चों में दे आर जीन्स एंड क्रोमोसोम के जरिए ये ट्रांसमिट होता है। At least 13 commonly occurring agents and hundreds of other rare antigen are found in human blood, यानी कि ये human blood में पाए जाते हैं। These are present on the surface of cell membrane की surface पे होते हैं। Each can cause an antigen antibody reaction. Two particular groups of antigens are more likely to cause blood transfusion reaction. यानी कि इसके अंदर टू पार्टिकुलर ग्रुप्स होते हैं। इसके बाद आ जाता है टाइप्स। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स क्लासिफाइड ब्लड ग्रुप्स। ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स आर फर्दर क्लासिफाइड। नंबर वन बी ओ आता है जो कि 47% होता है, ए 41%, बी 19% और ए बी लास्ट वाला ये 3% होता है। इसके बाद होते हैं आर एच ब्लड ग्रुप्स। आर एच पॉजिटिव, आर एच नेगेटिव। अगर ब्लड ग्रुप्स होते हैं एल एम एन एस किल लीवर स्किड डिफी टी सी। उसके बाद आ जाती है डेफिनेशन एंटीजन की। दीज आर फॉरेन सबस्टान विच कैन इलिकेट एन इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स। एंटीजन आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज। आरबीसीज की सरफेस पर प्रेजेंट होते हैं। इन सलेवा, सलेवा में द कॉर्निया प्लेटलेट्स डब्ल्यूबीसीज एंड एपिडर्मल सेल्स। इसके बाद आ जाता है एग्लियोटिनोजन। दीज आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस मेम्ब्रेन ऑफ आरबीसीज विच कैन केस एग्लियोटिनेशन ऑन कंबाइनिंग विद क्रॉस बॉन्डिंग एंटीबॉडीज। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, यानी कि ये भी मेम्ब्रेन की सरफेस पर मौजूद होते हैं और क्रॉस बॉन्डिंग करते हैं। उसके बाद एंटीबॉडीज आता है। दीज आर ह्यूमरल सबस्टांस प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन्स एग्लियोटिनेंस। दीज आर एंटीबॉडीज विच कैन एग्लियोटिनेशन अपॉन कंबाइनिंग विद क्रॉस बॉन्डिंग एग्लियोटिनोजन। उसके बाद टाइप्स आ जाते हैं एंटी एग्लियोटिनिन, एंटी बी एग्लियोटिनिन। ये देखें नीचे जैसे कि डायग्राम्स में भी बना हुआ है, एंटीजन ए, एंटीजन बी, एंटीजन ए और बी और नेदर एंटीजन ए और बी, ये सारे के सारे बने हुए हैं। टाइप ए हो गया, टाइप बी हो गया, टाइप ए बी, टाइप ओ। आप लोगों ने इसको भी लाजमी देख लेना। ये देखें ये इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोसाइट्स बने हुए, प्लाज्मा, ब्लड टाइप सारे। इसके बाद हम नीचे आते हैं इनहेरिटेंस ऑफ ए बी ओ ग्रुप्स। जीनेटिक डिटर्मिनेशन ऑफ एग्लियोटिनोजन। टू जीन्स वन ऑन ईच ऑफ द टू पेरेड क्रोमोसोम्स डिटरमाइन द ए बी ओ ब्लड ग्रुप्स। यानी कि दो इसमें पेयर्ड क्रोमोसोम्स होते हैं जो ब्लड ग्रुप में पाए जाते हैं। देयर आर एलेलोमॉर्फिक जीन्स डेट आर कैन बी एनी वन ऑफ द थ्री डिफरेंट टाइप्स बट ओनली वन टाइप ऑन ईच क्रोमोसोम। यानी कि इसकी तीन डिफरेंट टाइप होते हैं लेकिन एक जो है ना वो इंपॉर्टेंट होती है क्रोमोसोम के लिए। जेनोटाइप दिस इज द कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट जीन, एक डिफरेंट जीन का कम्बिनेशन होता है। फिनोटाइप दिस इज द वे इन विच द इंडिविजुअल जीन्स एक्सप्रेस इटसेल्फ। जैसे कि ये दिखाया गया करैक्टर 1, 2, 3, 4 में, जीनोटाइप में, ब्लड में, ए बी ए ए का क्रॉस, ए बी का, बी ओ का, जीनोटाइप ओ प्रोड्यूस नो एग्लियोटिनोजन, यानी कि ये नहीं प्रोड्यूस करता। जीनोटाइप ओ एन ओ ए प्रोड्यूस एग्लियोटिनोजन, यानी कि ओ ए और ए प्रोड्यूस करते हैं। जीनोटाइप ओ बी आर बी बी प्रोड्यूस, ये ओ ओ ओ बी और बी बी भी प्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद ए बी भी करता है, सिंगल ए और बी भी प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद आ जाता है ये फादर और मदर का ए ए बी फिनोटाइप ब्लड ग्रुप, ए बी जीनोटाइप, ए ए ए ए बी ए बी, ये सारे के सारे आपको क्रॉस बॉन्डिंग भी दिखाए गए। आप लोगों ने इनको भी सही से समझ लेना। उसके बाद रिजल्ट में आते हैं ब्लड ग्रुप ए जो है ना 15% चांसेस होता है, ब्लड ग्रुप ए बी वो भी 50% चांसेस होता है। इसके बाद नीचे आ जाता है इनहेरिटेंस ऑफ आर एच ब्लड ग्रुप।
Rh सिस्टम या फैक्टर्स डेफिनेशन Rh फैक्टर्स आर एंटीजन, एंटीजन होते हैं प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ RBC, ये भी RBC की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, विच एग्लूटिनेशन ऑन मिक्स इन ब्लड विद एंटी RhD सीरम। द Rh ब्लड ग्रुप इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ जीन डी विच इज डोमिनेंट ओवर एलोरोमोर्फिक जीन डी, यानी कि ये भी इसमें होता है। इसके बाद आ जाता है इन द Rh ब्लड ग्रुप द फॉलोइंग जीनोटाइप आर फिनोटाइप आर पॉसिबल। ये देखें करेक्टर 1 है इसमें DD वाले हैं, करेक्टर 2 में भी DD वाले हैं, उसके बाद जीनोटाइप जो बनता है DDA डी और डी छोटा डी बड़ा डी ये सारे मिक्स है, और फिनोटाइप में जो ग्रुप्स बनते हैं वो Rh पॉजिटिव Rh नेगेटिव वाले बनते हैं, जैसे ये देखें ऊपर आपको दिखाया जा रहा है। पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ कपल विद जीनोटाइप डी बिग वाला और डी स्मॉल वाला एंड डी दोनों स्मॉल वाले, यानी कि एक डैड से आता है और एक चिल्ड्रन से आता है। उसके बाद ये देखें फादर और मदर का ये सारा बना हुआ ऊपर फिनोटाइप Rh पॉजिटिव नेगेटिव 50-50% चांसेस होते हैं। उसके बाद Rh फैक्टर ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, वैन Rh पॉजिटिव ब्लड इज ट्रांसफ्यूज विद Rh नेगेटिव पर्सन, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव ट्रांसफ्यूज हो जाते हैं। anti-RhD एंटीबॉडी डू नॉट डिवेल्प नहीं होते फर्स्ट एक्सपीयर में ऑन द सेकेंड एक्सपीयर ऑफ Rh, ये जो होते हैं सेकेंड में भी हो जाते हैं। द इंडिविजुअल विल प्रोड्यूस सरफेस anti-D एंटीबॉडीज, ये देखें ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये देखें नीचे जो टेबल बनी हुई है इसको भी आप लोगों ने लाजमी देख लेना है। ये देखें ब्लड टाइप है, फिर रेड ब्लड सेल ये सारे टाइप है, AA बना हुआ है, AO बना हुआ है, ABB, BO, ABO सारे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आज के लिए इतना काफ़ी, थैंक यू सो मच।